दूधिया रोशनी में आईपीएल की तर्ज पर खेले गए आसंद क्रिकेट लीग में आसंद लॉयंस ने मारी बाजी। भीलवाड़ा जिले के आसंद कस्बे में इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को दूधिया रोशनी के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। 26 सितंबर से चल रहे इस क्रिकेट लीग में टोटल 16 मैच खेले। शुक्रवार को आसंद लॉयंस और रॉयल्स मेहता के बीच फाइनल मुकाबला कड़ी टक्कर के साथ खेला गया। आसंद रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 87 रन बनाए, जवाब में रॉयल्स मेहता 64 रन पर सिमट गई। आसंद रॉयल्स की ओर से दीपक मवाड़ा ने 40 रन की पारी खेली। पिछले मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच प्रभात चेलर और मैन ऑफ द मैच सीरीज सद्दाम पठान को अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम में समापन पर विधायक जब्बर सिंह साखला, नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चुंडावत उपस्थित रहे। खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट होते रहें, और युवा को मैं ये कहना चाहूंगा कि रेगुलर रहे, वो गेम को कंटिन्यू रखे ताकि वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके अगले सीजन। टीम के स्पॉन्सर रहे, आपका क्या संदेश रहेगा विजेता होने के बाद? मेरा यही संदेश रहेगा कि लगातार ऐसे टूर्नामेंट आयोजन होते रहे, और आसिंद में भमासौद और बट चढ़कर इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करना चाहिए और खिलाड़ियों को खिलवाना चाहिए, और ऐसे ही टूर्नामेंट में हर बार विजेता रहे, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया भमासा खेलते रहे इसमें और खिलाते रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता में आप मैन ऑफ द सीरीज रहे, अपने आपको या दूसरे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे खेल के प्रति भावना को लेकर? ये देना चाहूँगा कि सब खेल के प्रति अच्छा खेले, सब सब खेल से जुड़े रहें। आजकल की बहुत आलस की दुनिया हो गई है, खेल से जुड़े रहना चाहिए और अच्छा गेम खेलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए, अपनी कार्यशैली को लेकर खिलाड़ियों को कैसे प्रेरित करोगे? मैं ऐसे करूँगा कि सब अपना अपना बेस्ट दें और अपना अपना बेस्ट प्रदर्शन हर मैच में दिखाएं।